हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जो भले लोग हो, जो अच्छे लोग हो, उन्हीं के साथ हमेशा अपमान होता है, उन्हें अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात को अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन हर बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है आपको उकसाना। इसीलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और किसी को ऐसा देखे तो उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें और उसे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा तो वह व्यक्ति खुद ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर कोई शख्स आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के लिए महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। एक बात सही कहा गया है कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाती है। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।